हे दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि झारखंड में हो रही है। आगे जाकर इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करने पर आपको राइट साइड में एक बेल आइकन दिखेगा और उस बेल आइकन को यदि आप प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो जैसे हमने कहा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्ती जारी की गई है। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के पोस्ट के लिए भर्ती है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बताई नहीं गई है। वेरियस वैकेंसीज कहा गया है। पे स्केल आपको अच्छे खासे मिल जाएगी जो कि 5200 से 20200 के बीच है। ग्रेड पे आपको 2000 तक मिल जाएगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है वो फिलहाल देख लेते हैं। तो कांस्टेबल की पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास और इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 25 साल है, यानी 18 से अधिकतम 25 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होगी। अप्लीकेशन फी कितनी है फिलहाल वो हम देख लेते हैं। तो अप्लीकेशन फी जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये है। ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स यानी SC/ST सर्विसमैन तथा PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये अप्लीकेशन फी यहाँ पर स्वीकारी जाएगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 26 दिसंबर 2018 है और अधिकतम आप 18 फरवरी 2018 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 18 फरवरी के बाद इस पोस्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप जान लीजिएगा। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं 18 फरवरी के पहले अप्लाई कर आपका अप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा। ऑनलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिकर पे क्लिक कर देख सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF यहाँ पर लोड हो जाएगी और यहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपको किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विशेष शाखा आरक्षित क्लॉज कैडर के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है और यहाँ पर हिंदी में पूरी जानकारी बताई गई है, तो आपको ये जानकारी जो है प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन तरीके से आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आवेदन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जल्द से जल्द आवेदन आप ऑनलाइन तरीके से कर लीजिएगा। OMR शीट के आधार पर यहाँ पर आपको एग्जाम देनी है और आपका एप्लीकेशन यहाँ पर होने वाला है। 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी भाषा पर, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान पर, 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान पर 50 क्वेश्चन और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन तथा अंग्रेजी भाषा के 25 क्वेश्चन, एंड देखा जाए तो 175 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन में आपको अच्छी तरीके से मार्क्स लाने हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं मेन एग्जामिनेशन, या मेन एग्जामिनेशन पास होकर आप आगे बढ़ सकते हैं आगे के राउंड में और इंटरव्यू के द्वारा आपका यहाँ पर चयन हो जाएगा। और एग्जामिनेशन फी यहाँ पर आपको भरनी है जो कि 800 रुपये है और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स, PW कैंडिडेट्स और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये अप्लीकेशन फी है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो और इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जो कि झारखंड में हो रही है। तो दोस्तों, जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करेगा ऑनलाइन तरीके से। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।